अविश्वसनीय पल बहादुर माँ अपने घर के बाहर उसे पकड़ने के बाद उसके हैंडबैग के साथ डरावनी कारजैकर से लड़ती है। सीसीटीवी फुटेज ने 55 वर्षीय को मास्क किए गए चपर पेंच फेंक दिया है, जब उन्होंने अपने नीले ऑडी Q3 को ब्राजील के व्यापक डेलाइट हमले में चोरी करने की कोशिश की थी। यह एक अविश्वसनीय पल है जब एक बहादुर ने अपने हैंडबैग के साथ दो मुखौटे वाले से लड़ा क्योंकि उन्होंने उसे अपने घर से बाहर पकड़ लिया था। चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज पुरुषों को एक व्यापक डेलाइट हमले में नीली ऑडी Q3 चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन चरके लिए सौदेबाजी की तुलना में अधिक मिलता है जब 55 वर्षीय मां ने पिंच को तोड़ना शुरू कर दिया और अपने हैंडबैग को स्विंग कर दिया। पीड़ितों को पीछे से पुरुषों ने पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने बर्मिंघम में अपने सामने वाले दर को अनलॉक करने का प्रयास किया था। फुटेज तब दिखाती है कि उसे पुरुषों के साथ एक झुकाव में बंद कर दिया गया है, जो अपनी चाबियां छीनने और अपनी गाड़ी चलाने के लिए प्रबंधन करती है, लेकिन साहसी ग्रेन ऑफवन उनके पीछे पीछा करता है और उन्हें अपने हैंडबैग से लड़ने का प्रबंधन करता है। वह उन लोगों में से एक में एक पंच फेंकने को भी देख सकती है, जो अपनी बाह पकड़ने से पहले दोनों एक प्रतीक्षा कार में भागने से पहले माँ ने बर्मिंघम लाइव से कहा, मैंने एक के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, मुझे यकीन नहीं था कि चाबियां कौन थीं और उन्हें कार लेने से रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्ला रहा था और मदद के लिए मेरी आवाज के शीर्ष पर चिल्ला रहा था। मेरे पड़ोसी ने विपरीत प्रलोभन सुना और उनसे मुकाबला करने में मदद करने के लिए भाग गया, फिर उन्होंने छोड़ दिया और एक प्रतीक्षा गेटवे कार के लिए सड़क से भाग गया। पीड़ित ने फेसबुक पर अविश्वसनीय फुटेज पोस्ट किया, जहां इसे 700 से अधिक बार साझा किया गया है। उसने कहा, आज रात बहुत भयानक अनुभव और बेवकूफ में वापस लड़ा, लेकिन इस कमबैक्स हमें यह सब करने के लिए दूर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हम एक अपमानजनक समाज बन रहे हैं जहां कमियों को लगता है कि वे क्या ले सकते हैं, इसके लिए कड़ी मेहनत की वेस्ट। पुलिस ने सोमवार को लगभग 5.15 बजे प्रयास किए गए कारजैकिंग के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं की है।